हे गाइस, कैसे हैं आप। वैसे आज मैं आपको नया डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ, वो नया डिज़ाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, नया डिज़ाइन प्रोवाइड करने वाला हूँ 3D वीडियोस में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर से आपको कुछ सजेशन हो या फिर कुछ क्वेरीज हो तो फिर कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वन फ्रेम पे गए, फ्रंट फ्रेम पे जाके हमने स्केच पे क्लिक करा और ये स्टार्ट हो गया स्केच। अब हम सेंटर लाइन पे जाएंगे, सेंटर लाइन पे जाके हमने एक लाइन खींच ली। फिर हम लाइन पे जाएंगे और लाइन पे जाने के बाद हम अपना पैटर्न डिजाइन करेंगे। फिर हम स्प्लाइन पे जाएंगे। स्प्लाइन फॉर्म करना काफी आसान होता है क्योंकि स्प्लाइन में हम किसी भी हॉर्न पे, मतलब कि किसी भी आधार पे हम अपना डिजाइन शो कर सकते हैं। देखिएगा आप, फिर मैंने एस्केप दबा दिया तो फिर हम बाहर आ गए। अब यहाँ से हम खींचेंगे ऊपर की तरफ और ये जस्ट खींचता चले जाएगा। अभी हम इसमें डायमेंशन फिल कर देते हैं कि कितनी डायमेंशन हमें चाहिए। बेसिकली हमें तो चाहिए अभी 50 डायमेंशन। और यहाँ पे हमें चाहिए 30 की डायमेंशन। दे देते हैं अच्छा सा 145। और यहाँ पे अभी हम फिलेट कर देते हैं। अब चलिए दोबारा से फिलेट का यूज कर देते हैं। फिर से हमने एस्केप दबा दिया, बाहर आ गए हम। अब हमें इस पर की डायमेंशन का व्यू देना है। तो फिर यहाँ पे 200 देख लेते हैं, नहीं 200 इज नॉट गुड। तो फिर हमने बैक जाने के लिए हमें एक कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करा है इसमें, ठीक है। 125 इज गुड आई थिंक सो। अभी हमें इसके डिस्टेंस भी देखते हैं। इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए 150 फील पर। वन ट्वेंटी इज गुड आई थिंक सो। या अभी ये लैगिंग प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि इमेज क्वालिटी बहुत हाई है इसलिए। अगर हम इसको फिर से रिड्यूस कर लेते हैं ताकि आसानी हो। देखिए हम नॉर्मल
व्यू पे गए और वहाँ पे क्लिक कर दिया और दोबारा से ये अपने व्यूज़ में आ गया। चलिए इतना हमने कर लिया। अब रिवॉर्ड बॉस बेस का यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अभी सॉलिड फॉर्म में चाहिए। अगर हमने यहाँ से अगर हमने शेल फॉर्म में कर दिया तो फिर ये पूरी बॉडी बेकार हो जाएगी, तो फिर अभी हमें सॉलिड फॉर्म में चाहिए होगा और बाद में हम करेंगे इसका शेलिंग पर्पस। ओके देखिए अपने आप ही आ गया, पर लगता है यहाँ पे क्लिक कर रखा होगा ना इसलिए। एकदम खूबसूरत और एकदम बढ़िया सी बन के आ गई हमारी बॉडी। हम दोबारा से इधर ही गए और यहाँ पे हमने लाइन खींचेंगे, क्यों? क्योंकि अब हमें कप बनाना है इसलिए। यहाँ से अभी हम डिस्टेंस डिजाइन कर लेते हैं कि किस डिस्टेंस पे होना चाहिए। 50 इज गुड आई थिंक, 50 इज परफेक्ट। और यहाँ की हाइट होनी चाहिए 70। 70 इज गुड। अब यहाँ से हम स्प्लाइन का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें कर्व में चाहिए ना ये बॉडीज से, तो स्प्लाइन का यूज़ कर देते हैं। चलिए लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ठीक नहीं लग रहा। चलिए अब ठीक, दोबारा से हम आ जाते हैं नॉर्मल व्यूज में और यहाँ से हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसके डिज़ाइंस को। ओके सेम स्क्वायर कोड आई थिंक सो, या और हम यहाँ से एग्जिट स्केच पे या फिर यहाँ पे क्लिक करके बाहर आ जाते हैं क्योंकि अभी हमें दूसरा इस साइड का भी चाहिए होगा। अब हम यहाँ से प्लेन डिसाइड करते हैं, प्लेन डिसाइड करना और प्लेन डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे डिज़ाइन के बाद कौन सी डिस्टेंस पे हमें डिज़ाइन करना है, तो फिर हम करना चाहेंगे राइट प्लेन पे। और राइट प्लेन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये एकदम एक्यूरेट मिल जाएगा हमें ये प्लेन। और हम दोबारा से इस पहले प्लेन पर क्लिक करेंगे और अब आ जाएगा हमारे पास। चलिए अभी यहाँ पे हमें एक डिज़ाइन बनाना है जो हमारे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ये क्योंकि अगर हमने शो ऑफ करना है, अगर कुछ दूसरों को दिखाना है कि ये देखिए हमारे पास कुछ डिज़ाइन है, कुछ इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है ताकि लोग बाग हमारे तरफ अट्रैक्टेड हो और काफ़ी आकर्षक लगे, तो फिर उसके लिए हमें एक नया डिज़ाइन सोचना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए हमें अभी जस्ट 8 इज गुड आई थिंक सो डिज़ाइन करना पड़ेगा और 20 इज गुड।
अब यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मेट आ जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। तो फिर हमने दोबारा से इस प्लाइन चूज़ करा और यहाँ पे जाके हमने क्लिक कर दिया और देखिए अब हम थोड़ा सा यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं बॉडी को। ओके ओके और यहाँ से हम टीम एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। टीम एंटिटीज़ का यूज़ किसी बॉडी को ट्रिम करने किया जाता है। टीम टू वो क्लोजेस्ट का यूज़ मैं ज़्यादा करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है हेयर ट्रिम करने के लिए। दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस। और अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अब मैं मिरर का यूज़ करने वाला हूँ। तो फिर मिरर का यूज़ एक प्रोफेशन के साथ किया जाता है। चलिए देखते हैं किस तरह से प्रोफेशन बनता है। ये देखिए दूसरा मिरर यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो फिर इसी तरह से ये नया प्रोफेशन फॉर्म होता है। चलिए हम दोबारा से यहाँ पर जाते हैं और ट्रिम कर देते हैं इस बॉडी को। देखिए अब हमारे पास पूरी बॉडी कम्प्लीटली हो गई है। अगर से आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा हो तो फिर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे मेरे को तो कम्प्लीटली ठीक सी लग रही है। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे स्वैप्ड बॉस पेस का यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वैप्ड बॉस पेस का यूज़ करेंगे। ये हमने पैटर्न ले लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए और ये पूरा पैटर्न बना देगा। अब हमने गैप क्यों छोड़ा था, ताकि पूरा कवर हो जाए, इसलिए हमने गैप छोड़ा था हल्का सा। ठीक है, अगर हम गैप नहीं छोड़ते तो फिर ये एंटिटीज़ ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा होल फॉर्म कर देता यहाँ पे इस साइड, इसलिए गैप छोड़ना ज़रूरी होता है। चलिए अब मुझे लगता है यहाँ पे शेल कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इसके फिगर को ठीक से दिखाना है। तो फिर यहाँ कम कर देते हैं। आई डोंट वांट दिस। ओके देखिएगा थोड़ा सा और अच्छा डिज़ाइन मिल गया है। और अच्छा डिज़ाइन मिल गया। अब हमें यहाँ का भी कलर करना है। तो फिर देखें ओके और
अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और ताकि ये पूरा कंपोनेंट रिमूव हो जाए इस तरह से। अब ठीक है। चलिए अब हम यूज करते हैं एक्सट्रूड, नहीं एक्सट्रूड का नहीं, रिवॉल्व कट का। रिवॉल्व कट से ये पूरी कंपोनेंट कट हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ओके, अब इसको हम हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद हमारे पास कुछ बढ़िया सा एक कप आ जाएगा। अब हम यहाँ पर फिलेट का यूज़ करते हैं क्योंकि फिलेट फुल बाउंड्री हो जाएगा। यहाँ से फेस तक तो बैठे हैं, यहाँ पर फेस फिलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइटम्स टू फिलेट हो गया, आइटम ये वाला फिलेट करना और किचन और फिलेट करना है वो यहाँ पर। अब हम दोबारा से फिलेट पे गए और यहाँ हमने चूज करा इसको और शायद से 5 इस फिलेट पे गए। अब चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ी कलरिंग कर देते हैं। सबसे पहले हमें मटेरियल चूज करना पड़ेगा, तो मटेरियल चूज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मटेरियल कौन सा चाहिए, हमें स्टोन चाहिए और स्टोन में भी क्या चाहिए, ब्रिक चाहिए स्टोन में या फिर पेविंग चाहिए। मुझे लगता है टेक्सटाइल वाला ठीक है, टेक्सटाइल होना चाहिए। लॉस टेक्सचर बेस्ड
texture is not so good. हमें यहाँ पे एक अच्छा सा डिजाइन चाहिए, एक अच्छा सा। तो फिर सारे पॉलिस में देखते हैं। फैब्रिक कलर हो गया है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हमने कंट्रोल प्रेस करा और यहाँ पे क्लिक करते गए, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं ओके, येलो स्क्वायर को नहीं, रेड स्क्वायर को, तो फिर यहाँ तक के लिए ये डिज़ाइन परफेक्ट है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और अगर से आपको थोड़ी क्वेरी हो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर आप कुछ अच्छा लगा हो तो फिर लाइक थम पे क्लिक कर दीजिएगा और मुझे अच्छा लगेगा। बाकी के लिए आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा। तो गुड बाय गाइस।